डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ट्रस्ट श्रावस्ती एवं मानवाधिकार एसोसिएशन के द्वारा निदा जावेद जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन केंद्र निकट नोवा हॉस्पिटल नानपारा बाईपास रोड में महिला सशक्तिकरण एवं कौशल विकास उन्नयन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मनोज पाठक, प्रदेश अध्यक्ष लोक जन शक्ति पार्टी रामविलास ने युवा विद्यार्थियों को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। और टीम के सभी सदस्य लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम लोगों को यहाँ बुलाया कि इन बच्चियों को मिशन शक्ति चल रहा हमारे प्रदेश में इसके बारे में जागरूक कर सके। इसमें बहुत ऐसी बच्चियाँ हैं जो इंटर पास कर चुकी हैं, है ना? कौन कौन है, हाथ उठा सकता है? इंटर किसने किसने पास कर लिया? आप लोगों ने कर लिया? ग्रेजुएशन वाले कौन कौन है? बीए फाइनल। बीए कौन कर रहा है? बीए कौन कर रहा है? कौन कर रहा है इसमें? अच्छा, इसमें कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग इस जनपद में लगभग एक साल हो गया हमको आए, लेकिन इस जनपद में मेरा परिचय, मैं इंस्पेक्टर शीला यादव, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना बहराइच, डीएम चौराहे का महिला थाना है। और हमारे थाने पर घरेलू हिंसा से संबंधित या महिला उत्पीड़न से संबंधित ही पूरे जनपद का केस आता है। मिशन शक्ति हमारी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे जनपद की, हमारे समाज की बच्चियां जब जागरूक होंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, तभी अपने बारे में वो जान पाएंगी कि मेरे लिए